इंटांट, इंटांट का मतलब होता है कि एक कंट्री है उसका नाम है ए, ए ठीक है, दूसरे का नाम है बी, एक का नाम है सी, इसका इसके साथ माहदा है और इसका आगे इसके साथ माहदा है। तो इस तरह कंट्री अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा तो मैं उसके साथ लड़ूंगा। अब बी ने आगे सी से माहदा किया हुआ, भाई तुम्हारे साथ कोई हमला करेगा तो मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। अब ये इस तरह ऐसे ना ऐसे माहदों में बंधे हुए थे लोग कंट्री कि भाई हमारा तुम्हारा डिफेंस ट्रीटी है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा ना तो मैं लड़ूंगा। आप देख रहे हैं ये जर्मनी है और ये जर्मन एम्पायर थी उस वक्त, ठीक है। उसके साथ इसके साथ क्या मिला हुआ था, ऑस्ट्रो हंगेरी, ऑस्ट्रो हंगेरी या ऑस्ट्रिया जो कंट्री है, ऑस्ट्रो हंगेरी जो है ये भी इसके साथ ही होता है। ये पूरी एक एम्पायर होती थी, ये देखें कितनी बड़ी है, ठीक है, कितनी बड़ी एम्पायर थी इसके पास। और जर्मन देखें कैसे कैसे किधर किधर फैला हुआ। तो ये रशिया के साथ ये 13-13, 15-15 लाख, 20-20 लाख जब इतने सोल्जर लड़ने के लिए भेज देता, बड़ी ताकत थी। रशिया के साथ लड़ता है, ब्रिटेन के साथ लड़ता है, फ्रांस के साथ लड़ता है और बहुत मारता है इनको, मार भी खाता है बहुत सारी जगहों से। तो इस तरह ट्रिपल एंटांट और अलायंस जो है, इस तरह लोग बटे हुए थे कंट्रीज आपस में और इस तरह एक दूसरे से फिर वो लड़ते थे। सो लेट्स सी। अच्छा, इस पोएम के अंदर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लें, उसके बाद मैं इसको पढ़ता हूँ। मैंने पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताया। इस पोएम के अंदर जो थीम है वो डिसअपॉइंटमेंट का थीम है। डिसअपॉइंटमेंट, डेथ का थीम है, इसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड का पोएट है। डेथ का थीम, फेटलिज्म का थीम, फेटलिज्म, फेट का मतलब कोई बताएगा, थॉमस हार्डी से ये मुतासर था। नाम है फिलिप लार्कन। फिलिप लार्कन पैदा हुए 1922 में, डेथ हुई है 1985 में, ठीक है। थॉमस हार्डी एक फेटलिस्ट था और वो बड़ा सीरियस और ग्रेव और डेथ और इस तरह की चीजों को डिस्कस करता था और ये भी वैसा ही है। पैसिमिज्म इसकी थी, इसकी पोएट्री के अंदर आपको मिलेगा और इसके अंदर भी हमें पैसिमिज्म मिलता है। इसने एक नॉस्टैल्जिक लाइफ दिखाई है इसके अंदर, नॉस्टैल्जिक लाइफ इसके अंदर दिखाई है। देखें, पहली जंग में, जंग अजीम में 40 मिलियन, दूसरी में 80 मिलियन। उम्मीद ये थी कि आपको इसके बाद कत्लोगारत नहीं होगी, लेकिन इससे ज़्यादा हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी आपको दिखाएगा। अब इस पहले दो स्टैंजा जो हैं इसके, 8-8 लाइन का एक स्टैंजा है। एक स्टैंजा कितने लाइन, कितनी लाइन का, 8-8 लाइन का। चार स्टैंजा जो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले दो जो 8-8 लाइन के स्टैंजाज हैं, इन स्टैंजा के अंदर वो बात करता है सिटी लाइफ की, कि जब जंग का समय था, जब जंग चल रही थी उसमें क्या चल रहा था, क्या लोग क्या कर रहे थे, सिटी लाइफ जो है वो डिस्कस करता है। दूसरे दो स्टैंजा के अंदर जो रिमेनिंग स्टैंजाज हैं, 8-8 लाइन के जो स्टैंजाज हैं, उसके अंदर वो डिस्कस करता है विलेज लाइफ के, कंट्री साइड जिसे कहते हैं, कंट्री साइड की विलेज लाइफ उस वक्त कैसी थी। ये दोनों लिख लें, यानी ये जो दो स्टैंजा अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसमें वो क्या बताएगा आपको, कंट्री सिटी लाइफ, लेकिन रिमेनिंग दो स्टैंजा में वो आपको विलेज की लाइफ बताएगा। सो लेट्स सी। दोज लॉन्ग अनइवन लाइंस स्टैंडिंग एज पेशेंटली, अब ये लोग जो हैं